नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और चीन अपने झूठ पर झूठ लगातार बोले जा रहा है। अब चीन ने आरोप लगाया है कि एलएसी पर भारतीय सेना ने फायरिंग की है। दक्षिणी पैंगोंग इलाके में चीन की हवाई फायरिंग की खबर है। भारतीय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार, मैं पूरी जिम्मेदारी से ग्लोबल टाइम्स को सरकारी अखबार बता रहा हूं, उसने दावा किया है कि एलएसी पर भारतीय फौज ने फायरिंग की है। भारतीय सेना ने कई राउंड फायरिंग की और फिलहाल किसी भी तरह के जान माल की कोई खबर नहीं है। और जो ये दावा किया जा रहा है, इस दावे को थोड़ा आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी डालने की कोशिश कीजिए। 45 साल से अभी तक एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। साल 1975 में एलएसी पर गोलीबारी हुई थी।